बात 13 अप्रैल 1919 की है, जब हिंदुस्तान की पकी फसल पर खून के छींटों की बारिश हुई थी। जिस दिन एक बाप चीखा था, एक बच्चा चिल्लाया था और एक माँ अपने बच्चे की खून से रंगी लाश देखकर बिफर कर बोली थी, अपने बच्चे का मांस खाओगे अगर इस साल फसल को मुंह से लगाया तो। वो जमीन हमारी, वो मिट्टी हमारी, वो खेत हमारे। तुम्हारा घर कहां पर है लड़के? जेल खाना। जेल? You mean to say real jail? What the rubbish you talking about? ले जाओ इस लड़के को और 14 करोड़ की सजा दो। Yes sir। वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। साले गोरे अंग्रेज, मेरे मेरे दोस्त को मारेगा तू? सॉरी, मेरे दोस्त को मारेगा? महात्मा जी समझा है क्या? Forgive me. एक गाल पे मारोगे तो दूसरा आगे करेंगे? साले पक्के हिंदुस्तानी हैं हम, एक मारेगा तो दूसरा सूद के साथ वापस लौटा देंगे। और चलो एक क्रांतिकारी, बहुत हो गया। अंग्रेजी टट्टू आ रहे हैं सीटी बजाते हुए, चल चल। लेकिन मैं जानबूझकर अपने साथियों को मौत के कुएं में नहीं ढकेल सकता। अरे मौत के कुएं में तो हम तब भी थे, पहले साले उन मुगलों के नीचे दबे रहे और अब इन अंग्रेजी कुत्तों के नीचे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम किसी भ्रष्ट सरकार के नेता की टट्टी साफ कर रहे होंगे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और भगवान ना करे अगर मेरे कदम लड़खड़ाए तो मुझे मारने में कोई संकोच मत करना। And now it needs something from us, and we are out and out prepared to give the most precious thing we have, and that is our lives. साले गद्दार। गद्दार? मैं गद्दार नहीं हूँ। अरे मैं एक समझदार हूँ। तुम सब मरोगे, तुम सब के सब मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे तुम सब के सब। मिस्टर सिंह, आप लोगों को हथकड़ी पहननी पड़ेगी। लेकिन कोर्ट के रूल्स के मुताबिक आप मुजरिम को कोर्ट में हथकड़ी नहीं पहना सकते। आपको हथकड़ी पहननी ही होगी। This is my order. Do hell with your law and orders. हम हथकड़ी नहीं पहनेंगे। आपको जो फैसला लेना है आप ले सकते हैं, और वैसे भी ब्रिटिश हुकूमत के फैसले तो इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं।
ना ही हमें इन्हें सुनने की ख्वाहिश बची है और ना ही इनका इंतजार करने का सब्र। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद। ये जंग हमने सिर्फ नौजवानों की गाड़ी का पोस्टर या कैलेंडर पर छपने के लिए नहीं लड़ी थी। मुझे रखना ही चाहते हो तो अपने दिल में रखो, मुहिम शुरू करो। कठिनाइयां तो बहुत आएंगी लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुक गए तो थक जाओगे। क्या यही था वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर आपने किया था?